वेलकम टू ध्वनिस किचन। आज मैं एक स्वीट रेसिपी शेयर करूंगी, पनीर कलाकंद। पनीर कलाकंद बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम 200 ग्राम पनीर लिया है। बादाम को मैंने चॉप कर दी है। वन टेबल स्पून मिल्क पाउडर, वन कप कंडेंस मिल्क, 300 ग्राम कंडेंस मिल्क। तो सबसे पहले हम इन सबको मिक्स कर लेंगे, पनीर, मिल्क पाउडर, कंडेंस मिल्क, पनीर कलाकंद बनाने के लिए कंडेंस मिल्क का यूज़ करते हैं तो ये झटपट बन जाता है। अब ये मिक्स हो गया है। अब एक पैन में इस मिक्सचर को डाल देंगे। गैस की फ्लेम मैंने अभी हाई रखी है और इसको कंटिन्यूअस हिलाते रहना है। थोड़े टाइम के बाद गैस की फ्लेम लो कर ले, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा। इसके लिए जो मैंने पनीर यूज़ किया है वो मैंने घर पे ही बनाया है और इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है। अब ये थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा है। गैस की फ्लेम लो ही रखें। अब आप देख सकते हैं ये ज़्यादा थिक हो गया है। इसको कंटिन्यूअस हिलाते रहे। अब ये पैन को छोड़ने भी लगा है और 2-3 मिनट तक उसको अभी कुक होने दे। तो अब ये हो गया है, तो गैस की फ्लेम बंद कर ले। मैंने एक प्लेट में घी लगा के उसको ग्रीस कर दिया है। अब हम उसमें ये मिक्सचर है वो डाल देंगे। उसको स्प्रेड कर लेंगे डिश में। अब हम उसके ऊपर बादाम डाल देंगे। और उसको बाउल से ऐसे प्रेस कर लेंगे। अब इसको फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए, बाद में उसके पीस करेंगे।
तो अब ये ठंडा हो गया है और इसके हम पीस कर लेंगे। उसके पीस करके उसको थोड़ा धीरे से ही उसको उठाए, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं। तो पनीर कलाकंद अब तैयार है। इसको आप एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में एक वीक तक स्टोर कर सकते हैं। सब्सक्राइब हियर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर नोटिफिकेशन ऑन न्यू वीडियोज़।